हैलो एवरीवन वेलकम टू दैनल ऑफ विक्टर एडुकेटर्स इज नीलम एंड टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिंदू एडिटोरियल सो लेट्स गेट स्टार्ट इट सो द टाइटल इज पैंडमिक री सिलियंस पैंडेमिक मतलब महामारी जो वैश्विक महामारी है एंड री सिलियंस का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी हिंदी में अगर कहे तो लचीलापन ये रिसिलियंस का मतलब होता है कैपेसिटी टू रिकवर फ्रॉम डिफिकल्टी किसी डिफिकल्टी से रिकवर होना सो so इसे हम रिकवर भी कह सकते हैं या उभरना सो so यहाँ ये जो वैश्विक महामारी है इससे उभरने की बात की जा रही है पार्लियामेंट्री पैनल्स कॉल पार्लियामेंट मतलब संसदीय पैनल मतलब जो ग्रुप है ये ग्रुप ऑफ जजेस कह सकते हैं जिन्होंने लिया है पार्लियामेंट्री call, uh, मतलब पैनल होगा फॉर अ न्यू हेल्थ सिस्टम एक नया हेल्थ लॉ सॉरी सिस्टम नहीं लॉ लॉ मतलब एक कानून बनाया जाएगा पोस्ट कोविड नाइनटीन कोविड नाइनटीन के बाद इज ए कर्नल फॉर रिफॉर्म रिफॉर्म का मतलब क्या होता है चेंजेस या कह सकते हैं जो सुधार लाना है इसके लिए ये जो कॉल है ये जो डिसीजन है ये कैसा है कर्नल है कर्नल मतलब किसी भी चीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट या सेंट्रल जो पार्ट होता है इसे हम कर्नल कहते हैं सो देखते हैं आगे द रिपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन होम अफेयर्स कॉलिंग फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिक हेल्थ एक्ट, बोला जा रहा है कि ये जो रिपोर्ट है रिपोर्ट नाउन से आर्टिकल का यूज किया गया है रिपोर्ट किसकी है ऑफ़ संसदीय ऑन मतलब किस पर है होम अफेयर्स पर है मतलब घरेलू अफेयर्स मतलब मामले सो so, घरेलू मामलों पर ये जो संसदीय समिति ने रिपोर्ट बनाई है कॉलिंग फॉर एंड रिपोर्ट है ये So, यहां पर जो मीनिंग है कॉल फॉर का यह डिमांड लेकिन कॉल फॉर के और भी मीनिंग होते हैं जैसे कि रिक्वायर जैसे कि नीड सो ये डिमांड कर रही है क्या एक कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिक हेल्थ एक्ट एक ऐसी एक्ट बनाए जो कैसी होगी कॉम्प्रिहेंसिव होगी कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है डीलिंग या इंक्लूडिंग विथ ऑल मतलब जो सभी चीजों से डील करे या सभी चीजों को इंक्लूड करे जिसे हम कह सकते हैं टोटल या एंटायर ये इसका और एक वर्ड होता है एक्सॉस्टिव सो so, एक कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिक हेल्थ एक्ट बनाने की डिमांड की है एज ए रेस्पॉन्स किसके रेस्पॉन्स में किसकी प्रतिक्रिया में टू द एक्सट्रीम स्ट्रेसेस अब स्ट्रेसेस यहां पर नाउन हो जाएगा तो एक्सट्रीम यहां पर एडजेक्टिव है ये जो एक्सट्रीम स्ट्रेस हुआ है क्यों कॉज बाय किसके द्वारा कोविड नाइनटीन के द्वारा इसके लिए यहां पर ये इस एक्ट को बनाने का प्रपोजल या डिमांड इस संसदीय समिति ने किया है इज अ वेलकम कॉल एंड ये काफी अच्छा आ, क्या है कॉल है मतलब कि ये डिसीजन है टू रिफॉर्म जो कि रिफॉर्म करेगा मतलब कि सुधार लाएगा अ फ्रेगमेंटेड हेल्थ सिस्टम को किसमें सुधार लाएगा ऐसा सिस्टम जो क्या है फ्रेगमेंटेड है फ्रेगमेंटेड मतलब कह सकते हैं ब्रोक मतलब जो ब्रेक है या जो सेपरेटेड है या जिसे हम कह सकते हैं जो कि डिवाइडेड है सो तो ऐसे सिस्टम को ये रिफॉर्म करेगा इसमें सुधार लाएगा सो तो एक एक बार देख लेते हैं तक बोला क्या जा रहा है एक रिपोर्ट है रिपोर्ट बनाई गई संसदीय स्टैंडिंग समिति के द्वारा घरेलू मामलों पर जो कि डिमांड कर रही है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव मतलब सारी चीजों को इंक्लूड करके एग्जॉस्टिव पब्लिक हेल्थ एक्ट बनाई जाए ऐसे रेस्पॉन्स मतलब की प्रतिक्रिया में किसके कि ये जो एक्सट्रीम स्ट्रेस हुआ है चिंताएं हुई है कंसर्न हुआ है किसके वजह से कोविड नाइनटीन के वजह से इस वजह से उन्होंने इस कॉम्प कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिक हेल्थ एक्ट की डिमांड की है एंड ये काफी वेलकम कॉल है मतलब कि काफी अच्छा अच्छा डिसीजन है क्यों क्योंकि ये रिफॉर्म करेगा सुधार करेगा ऐसा हेल्थ सिस्टम में जो कि सेपरेटेड है डिवाइडेड है टुकड़ों में बटा हुआ है आगे देखते हैं वेन दैंडमिक अराइव जब ये पैंडमिक अराइव की मतलब कि जब ये पैंडमिक आया था नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 का डेटा बताता है शो दैट देर वर एन एस्टिमेटेड एस्टिमेटेड मतलब कि लगभग आसपास बोला जा रहा है कि जब ये अराइव हुआ था, तो नेशनल हेल्थ प्रोफाइल का जो डेटा था उसके अनुसार उसमें दिखाया गया था कि वहां पर सिर्फ एस्टिमेटेड लगभग जीरो गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेड्स थे एक लोगों के लिए मतलब एक इंसान के लिए एक बेड भी अवेलेबल नहीं था इस तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है एंड यहां पर बात करें देखिए ये वर्ब जो है ये प्लूरल वर्ब है क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है बेड्स की इस वजह से ये जो वर्ब है ये यह वर्ब यहाँ पर प्लूरल आया है क्योंकि एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है इस सेंटेंस को लेके कि व्हेन द पेंडेमिक अराइव द नेशनल हेल्थ प्रोफाइल टू थाउजेंड डेटा शो दैट देयर एंड देयर के साथ यहाँ पर ये यह वॉज दे दिया गया होगा एंड आपको फाइंड करनी होगी एरर एंड हमें लगेगा कि ये डेटा जो है डेटा शो डेटा तो सिंगुलर है सो ये जो वॉज है ये बिल्कुल सही है लेकिन नहीं ये वॉज या वर ये जो वर्ब है ये यहाँ पर इस बेड्स के लिए यूज किया गया है सो so, आगे देखते हैं प्रोलोंग अंडर इन्वेस्टमेंट प्रोलोंग मतलब क्या होता है लंबे समय तक जो चलता है ओके okay, लंबे समय तक अब अंडर इन्वेस्टमेंट अंडर को अगर हटा दिया जाए तो यहाँ पर ये यह बन जाएगा इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्ट करना मतलब क्या होता है आ, uh, किसी चीज में इन्वेस्ट करना आप समझ ही गए होंगे ओके खर्चा करना अंडर है अंडर इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होगा इनसफिशियंट इन्वेस्टमेंट ऐसी इन्वेस्टमेंट जो क्या होगी इनसफिशियंट है इज अ पब्लिक इन सॉरी इन पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर किसमें पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि जो ढांचा है जो सिस्टम है उसमें दस लेफ्ट लेफ्ट मतलब कि ये छोड़ देता है मिलियंस मिलियंस मतलब बहुत मिलियंस लोगों को सीकिंग हेल्प सीक करना मतलब पाना जो हेल्प फिर कहाँ से हेल्प लेंगे फ्रॉम हाईली मतलब काफी बड़े स्तर पर कमर्शियलाइज कमर्शियलाइज मतलब होगा व्यवसायिक प्राइवेट सेक्टर विथ लिटिल रेगुलेटरी ओवरसाइड एंड रेगुलेशन मतलब कि नियंत्रण होता है एंड ओवरसाइड का मतलब होता है यहाँ पर सुपरविजन करना वहां पर जैसा कह सकते हैं इंस्पेक्शन यहाँ पर हम लिख देते हैं सुपरविजन So, यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि ये जो प्रोलॉन्ग इन सफिशियंट इन्वेस्टमेंट जो है किसमें पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब ये जो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी चीजें जितना भी सिस्टम है उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी कम है इसके वजह से लेफ्ट मतलब बहुत सारे लोग मिलियंस ऑफ लोग हेल्प लेते हैं पाते हैं कहां से हाईली जो बहुत ज्यादा व्यवसायिक प्राइवेट सेक्टर है प्राइवेट सेक्टर मतलब कि जो निजी सेक्टर है जो अपना निजी का निजी बिजनेस चलाते हैं निजी सेक्टर है एंड वो कैसे कमर्शियलाइज्ड है मतलब कि व्यवसायिक है आपने देखा होगा प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत सारा आपने सुना होगा कि बहुत सारा पैसा जो होता है वो हमसे ले लेते हैं बहुत सारा हमें लूट लेते हैं ऐसा हम कहते हैं ना तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि काफी व्यवसायिक होते हैं प्राइवेट सेक्टर क्योंकि गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टमेंट है ना पब्लिक हेल्थ में ये काफी कम है इस वजह से मिलियंस ऑफ लोगों को हेल्प लेनी पड़ती है हाईली लिटिल रेगुलेटरी ओवरसाइट एंड ये जो रेगुलेटरी मतलब कि ये जो नियंत्रण होता है प्राइवेट सेक्टर पे ये बहुत कम होता है सुपरविजन काफी कम होता है लिटिल मतलब होता है ना के बराबर एंड यहाँ पर आप इस लिटिल वर्ड को बिल्कुल नो no के जैसा पढ़ सकते हैं क्योंकि ये जो लिटिल शब्द होता है ये नेगेटिव सेंस देता है जिसका मतलब होता है ना के बराबर सो विथ नो रेगुलेटरी ओवरसाइड भी आप इसे इस लिटिल वर्ड को यहाँ पर पढ़ सकते हैं क्योंकि लिटिल के पहले अगर अ लग जाता है सो तो इसका मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो जाता है इसका मतलब होता है थोड़ा या कुछ एंड अगर द लिटिल भी लग जाए तो ड लिटिल का मतलब होता है सारा का सारा तो ये जो होते हैं अ लिटिल एंड द लिटिल हमें पॉजिटिव सेंस देते हैं मतलब कि इस लिटिल वर्ड के पहले आर्टिकल लगने से या ना लगने से इसका मीनिंग जो होता है ये कंप्लीटली चेंज हो जाता है सो कंप्लीटली रेगुलेटरी ओवरसाइट मतलब कि कुछ भी सुपरविजन यहां पर नहीं होता इंस्पेक्शन नहीं होता है और ही ज्यादा खराब थी एंड ये जो वर्स है ये बैड वर्ड से आया है बैड की कंपेरिटिव डिग्री होती है वर्स एंड जो सुपरलेटिव डिग्री होती है इसकी ये होती है वर्स्ट एंड बात करें एक और वर्ड है आई डब आई डबल एल इल इल का भी जो कंपेरेटिव फॉर्म होता है वो भी वर्स ही होता है एंड इसका सुपरलेटिव वर्स्ट होता है लेकिन ये जो इल होता है ये इल यहाँ एडवर्ब की तरह काम करता है एंड यहाँ पर ये जो वर्स है या बैड है ये एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है सो so, बोला जा रहा है कि जो सिचुएशन थी ये और भी ज्यादा खराब थी कहाँ पर रूरल एरियाज में रूरल का मतलब होता है ग्रामीण एरियाज ग्रामीण विभागों में जहां पर ये जो केयर फैसिलिटीज थी अः मतलब कि जितनी भी फैसिलिटी या मेडिकल से रिलेटेड जो फैसिलिटीज थी ये काफी कैसी थी विकर थी एंड अर्बन अर्बन मतलब काम करने वाले एंड ये जो शहर में काम करने वाले लोग थे ये ये सॉरी एंड जो है ये का, है, का होता है, fled, या चले जाना so इसका मतलब यहाँ पर होगा रन अवे सिर्फ कह सकते हैं रन so, जो शहरी काम करने वाले थे ये फ्लड हो गए कहां पर villages, अपने में अफ्रेड ऑफ क्योंकि उन्हें डर था एंड हमेशा याद रखना है अफ्रेड मतलब डर एंड and... इसके बाद जो प्रिपोजिशन लगता है वो हमेशा ऑफ होता है सो so, उन्हें डर था ऑफ कॉस्ट की जो कॉस्ट लगेगी जो पैसा लगेगा ऑफ फॉलिंग सिक अगर वो सिक मतलब बीमार हो जाए सिटीज में क्योंकि सिटीज में बोला ही जा रहा है कि सारी जो चीजें हैं ये प्राइवेट सेक्टर ही चलाता है यहाँ पर मतलब प्राइवेट सेक्टर में ही जाना पड़ता है क्योंकि गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है ये काफी अंडर इन्वेस्टमेंट है काफी इनसफिशियंट है अपर्याप्त इन्वेस्टमेंट है पब्लिक हेल्थ की वजह से इसीलिए प्राइवेट का खर्चा उठाना इन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं था इसलिए वो सारे क्या चले गए अपने

Uh, जो भी प्रॉब्लम्स है जो भी चेंजेस है एंड इन एडिकुएसी इन एडिक्वेसी ये जो वर्ड है ये इन एडिकुएट से आया है इन मतलब अपर्याप्त सो so, अपर्याप्त बोला जा रहा है किससे अपर्याप्तता ऑफ एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग मतलब कि अभी जो प्रेजेंट में है लीगल कानूनी फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं सिस्टम सो एक्नोलेज करते हुए समझते हुए ये जो डिस्टोरशन है ये जो प्रॉब्लम्स uh, है चेंजेस है एंड द इनएडिक्वेसी इन एडिक्वेसी मतलब अपर्याप्तता है किसमें एग्जिस्टिंग मतलब कि अभी जो प्रेजेंट कानूनी सिस्टम से उनमें द पैनल ये जो पैनल है इन्होंने कॉल्ड फॉर कॉल फॉर मतलब फिर से बता देते डिमांड होता है जो कि हमने फर्स्ट पैसेज में ही देखा था डिमांड किया है पैनल ने डिमांड किया है हमने देखा था संसदीय समिति ने डिमांड की थी सो so उन्होंने क्या डिमांड किया है ओमनी बस लॉ सो लॉ यहां पर नाउन है सो so ये ओमनी बस यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह काम करेगा एंड क्योंकि यहां पर ये यह जो वर्ड है ओमनी आ चुका है एंड ओमनी मतलब क्या होता है एवरी थिंग या हम कह सकते हैं इसे एवरीवेयर हर चीज या हर जगह सो so कैसा लॉ ओमनी बस लॉ मतलब ऐसा लॉ जिसमें सारी चीजें इंक्लूडेड होगी या ऐसा लॉ जो सारी चीजों से डील करेगा सो so, ऐसा लॉ ऐसा कानून बनाने की यहां पर उन्होंने डिमांड की है दैट विल कर्ब जो कर्ब करेगा मतलब कि जो रेस्ट्रेन करेगा कर्ब जिसका मतलब होता है रेस्ट्रेन करना या जिसे हम कह सकते हैं कंट्रोल करेगा क्या कंट्रोल करेगा प्रॉफिट ईयरिंग प्रॉफिट ईयरिंग मतलब होता है जो प्रॉफिट हो प्रॉफिट वर्ड से आया है ये प्रॉफिट ईयरिंग वर्ड ओके मतलब ये जो आ, फायदा हो रहा है ड्यूरिंग सच क्राइसिस एंड ये फायदा जो प्रॉफिट हो रहा है किसे प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है ड्यूरिंग सच क्राइसिस ऐसे क्राइसिस में एंड प्रोवाइड रोबस्ट कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस रोबस्ट मतलब यहां पर हो जाएगा स्ट्रोंग कैशलेस मतलब बिना कैश के मतलब कि नगदी हेल्थ इंश्योरेंस सो यहां पर कैशलेस हो मतलब कि ऑनलाइन की, की बात की जा रही है हेल्थ इंश्योरेंस ऐसा यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए सो so, एक बार फिर से देख लेते हैं पर बोला जा रहा है कि जो जो लंबे समय तक ये अंडर इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट का मतलब कि अपर्याप्त इन्वेस्टमेंट है किसमें पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पब्लिक हेल्थ से जुड़ा हुआ जो ढांचा है जो सिस्टम है उसमें इसके वजह से मिलियंस लोगों को हेल्प लेनी पड़ रही है सीख करनी पड़ रही है कहाँ से जो हाईली बहुत ज्यादा कमर्शलाइज प्राइवेट सेक्टर है मतलब ऐसे सेक्टर जो क्या है व्यवसायिक है निजी सेक्टर है विथ रेगुलेटरी जिन पर जो रेगुलेशन है नियंत्रण है सुपरविजन है ये कैसा है काफी कम है मतलब कि बिल्कुल नहीं है ना के बराबर है एंड ये जो सिचुएशन थी ये और भी ज्यादा खराब थी कहाँ पर ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण विभागों में जहां पर ये जो केयर फैसिलिटीज थी मतलब कि ये जो मेडिकल फैसिलिटीज थी काफी वीकर है एंड ये जो एंड जो शहरी में शहर में काम करने वाले जो थे शहरी जो वर्कर्स थे ये भी फ्लड हो गए मतलब कि अपने विलेजेस में चले गए क्योंकि उन्हें डर था कि अगर हम शहर में बीमार पड़ेंगे तो इस बीमार पड़ने का जो कॉस्ट होगा ये काफी ज्यादा होगा एंड ये एक्नोलेज करते हुए समझते हुए कि ये जो सारे डिस्टोशन है ये जो सारे डिस्टर्बेंस हैं एंड ये जो अपर्याप्तता है अभी जो प्रेजेंट हमारा जो कानूनी सिस्टम है उसमें इसको ध्यान रखते हुए पैनल ने एक डिमांड की है किसकी ओमनी बस लॉ की ऐसा कानून जो ओमनी बस हो जो सारी चीजों से डील करे एंड ये ओमनी बस वर्ड ओमनी से आया है एंड जहां भी ओमनी लग जाता है जिसका मतलब एवरीथिंग एंड एवरीवेयर सो ऐसा लॉ जो सभी चीजों से डील करे जिसके वजह से कंट्रोल होगा प्रॉफिट ईयरिंग पर प्रॉफिट ईयरिंग मतलब कि ये जो फायदा हो रहा है इस पर ड्यूरिंग सच क्राइसिस इस ऐसे क्राइसिस में एंड ये जो फायदा हो रहा है ये किसे हो रहा है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की यहां पर बात की जा रही है एंड ये जो लॉ होगा ये प्रोवाइड करेगा एक रोबस्ट मतलब कि स्ट्रॉन्ग कैशलेस बिना कैश का हेल्थ इंश्योरेंस सो आगे देखते इट्स इंडाटमेंट इंडाइक्टमेंट का मतलब यहां पर होता है चार्ज किसी पर कोई आरोप लगाना या जिसे हम कह सकते हैं एक्यूजेशन सो so, इसे हम पढ़ेंगे इंडाइक्टमेंट उसका जो इंडाइक्टमेंट था मतलब ये जो पैनल था पैनल ने यहाँ पर आरोप लगाया था ऑफ द फीवरिश अब फीवरिश का मतलब क्या होता है ये जो वर्ड आया है फीवर से आया है एंड जिसका मतलब होता है फीवर या हॉट लेकिन यहाँ पर इसका जो मतलब होगा ना ये होगा कि फीवरिश मतलब काफी बड़ा एंड कॉमर्स मतलब की व्यवसायिक सराउंडिंग जो सराउंड कर रहा है घेर रहा है किसे हेल्थ केयर प्रोविजन को हेल्थ केयर प्रोविजन मतलब प्रोविजन का मतलब यहाँ पर होगा फैसिलिटी को सो so, uh, यहाँ पर इस पैनल ने मतलब कि जो संसदीय समिति थी उसने एक इल्जाम लगाया है आरोप लगाया है किस पर कि ये जो व्यवसायिक व्यवसायिक फिवरिश मतलब काफी बड़ा ये जो व्यवसायिक सिस्टम है हेल्थ केयर सिस्टम है ये सराउंड कर रहा है ये घेर रहा है किसे हेल्थ केयर प्रोविजन को फैसिलिटीज कर हाउ लेकिन फिर भी कैन सर्व ये सर्व कर सकता है अ लार्जर एक बड़े उद्देश्य को भी यहाँ पर सर्व कर सकता है इफ अगर वो कवर करे इफ इट कवर्स ओवरऑल सिस्टम रिफॉर्म अगर पूरे के पूरे कंप्लीट इस सिस्टम को रिफॉर्म किया जाए इस सिस्टम में सुधार लाया जाए एड्रेसिंग द स्ट्रक्चरल एंड एड्रेस करते हुए एड्रेस करते हुए स्ट्रक्चरल मतलब कि ये जो सिस्टम है सिस्टम की जो असिमिट्री है असिमिट्री मतलब असमानता जिसे हम कह सकते हैं असमानता मतलब कि अन कह सकते हैं इम्बैलेंस इसे या हम कह सकते हैं लैक ऑफ इक्वेलिटी या इनइक्वालिटी आप कह सकते हैं इसे कि ये जो असमानता है स्ट्रक्चरल में स्ट्रक्चर में ढांचे में या सिस्टम में जो क्रिएट की गई है किसके द्वारा बाई मिस गाइडेड पॉलिसीज ऐसी पॉलिसीज जो मिस गाइडेड है गाइड करना मतलब क्या होता है किसी को सही राह दिखाना एंड मिस गाइड करना मतलब उसे गलत राह दिखा देना सो so, यहाँ तक बोला जा रहा है कि ये जो समिति ने जो एक आरोप लगाया है कि ये जो बहुत बड़े जो व्यवसायिक सराउंड व्यवसायिक या कॉमर्स ये जो बिजनेस बिजनेस मेंटालिटी है ये घेर रही है सराउंड कर रही है हेल्थ केयर प्रोविजन को हेल्थ केयर फैसिलिटीज को लेकिन फिर भी ये एक बड़े उद्देश्य को सर्व कर सकती है अगर वो ओवरऑल पूरे के पूरे सिस्टम को रिफॉर्म करे इस सिस्टम में सुधार लाए एड्रेसिंग द स्ट्रक्चरल सिमिट्री की जो स्ट्रक्चर में जो सिस्टम में

So, खुद से ही उन्होंने क्या किया कमिटमेंट किया है वादा किया है इंडिया ने टू कोविनेट्स कोविनेट्स का मतलब होता है एग्रीमेंट या जिसे आप कह सकते हैं पैक्ट या जिसे आप कह सकते हैं अंडरटेक या जिसे हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट सो खुद इट्स सेल्फ टू द एग्रीमेंट सच एज जैसे कि द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अब यहाँ पर सस्टेनेबल सस्टेनेबल का मतलब ही क्या होता है जो लंबे समय तक चले डेवलपमेंट गोल्स ऐसे उद्देश्य जो डेवलप करेंगे एंड ये काफी लंबे समय तक चलेंगे या अगली जनरेशन तक जो काम करेंगे लंबे समय तक चलने वाले जो उद्देश्य है उसको क्या किया है इंडिया ने कमिट किया है खुद से ही वादा किया है ऐसे एग्रीमेंट से बट लेकिन कंटिन्यूज टू इवेंट ये वादे तो किए कि हाँ हम सस्टेनेबल uh, गोल जो है इस पर कमिटमेंट uh, करते हैं ओके okay, खुद से कमिटमेंट करते हैं लेकिन फिर भी इन्होंने बट आया है बट मतलब उल्टा लेकिन परंतु कंटिन्यूस टू इवेड इवेड करना इसका मतलब होता है अवॉइड करना या जिसे हम कह सकते हैं बचना यू कैन से अवॉइड या एस्केप कर देना या फिर चीट करना भी इसे हम कह सकते हैं लेकिन इसने इवेड किया अवॉइड किया है मेकिंग बनाना क्या द राइट टू हेल्थ अ फुल लीगल एंड जस्टिफिएबल राइट अंडर द नेशनल हेल्थ पॉलिसी बोला खुद से कमिटमेंट की है कि हम ये जो कमिटमेंट uh, की है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की लेकिन इसने अवॉइड किया है मेकिंग मतलब कि बनाना किसी चीज को द राइट right, एक राइट right, एक अधिकार टू हेल्थ कि uh, सभी को अधिकार हो हेल्थ का एक कंप्लीट लीगल मतलब कानूनी एंड जस्टिस जस्टिफिएबल जस्टिफिएबल का मतलब क्या होता है uh, जिसपे हम मुकदमा चला सके या हम कह सकते हैं इसे सब्जेक्ट टू ट्रायल जिस पर मुकदमा चला सके सब्जेक्ट टू ट्रायल इन अ कोर्ट जिस पर मुकदमा चला सके सो so, यहाँ पर उन्होंने कमिटमेंट तो कर दिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का लेकिन अवॉइड कर रही है ये राइट टू हेल्थ राइट टू हेल्थ को एक फुल लीगल एक फुल कानूनी और जस्टिसबल जस्टिसबल uh, या जस्टिफिएबल भी कह सकते हैं जस्टिसबल राइट बनाना अधिकार बनाना अंडर किसके ये अंडर मतलब तहत नेशनल हेल्थ पॉलिसी के तहत अमंग द कमिटमेंट सॉरी अमंग द कमिटीज है कमिटीज <coughs> के बीच में ऑब्जर्वेश एक, एक चीज उन्होंने एक चीज पर ऑब्जर्व करना मतलब किसी चीज के बारे में सोचना समझना एक चीज उन्होंने uh, समझी है यहाँ पर अंडरस्टैंड किए इज देंस एक एबसेंस है मतलब कमी है ऑफ क्या इंश्योरेंस कवर इंश्योरेंस कवर नहीं है बीमा कवर नहीं है बहुत सारे लोगों के पास फॉर मैनी एंड ओवर साइड ओवरसाइड मतलब सुपरविजन या इंस्पेक्शन करना किस पर हॉस्पिटल पर हॉस्पिटल पर इंस्पेक्ट

इस क्राइसिस में तो एक बार इस कंप्लीट पैसेज को देख लेते हैं कि ये जो समिति है संसदीय समिति इसने एक आरोप लगाया है कि ये जो बड़ी-बड़ी व्यापारिक व्यापारिक जो सिस्टम से इन्होंने घेर रखा है हेल्थ केयर प्रोविजन को फैसिलिटीज को हाउएवर लेकिन ये एक लार्ज उद्देश्य भी सर्व कर सकती है कैसे अगर वो ओवरऑल सिस्टम में रिफॉर्म लाए कंप्लीट जो सिस्टम है उसमें सुधार लाए एड्रेस करते हुए कि जो ये जो स्ट्रक्चरल ये जो सिस्टम में जो असिमिट्री है असमानता है जो कि मिसगाइडेड पॉलिसीज़ के द्वारा क्रिएट की गई है फिर कहा है कि इंडिया ने खुद से ही कमिटमेंट किया है एग्रीमेंट पर जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मतलब ऐसे गोल जो लंबे समय तक चलेंगे जो अगली जनरेशन के लिए भी यूज हो सकते हैं ऐसे गोल पर इंडिया ने खुद से ही कमिटमेंट किया है इस कमिटमेंट के बावजूद भी इंडिया ने अवॉइड किया है कि वो एक फुल कानूनी और जस्टिसबल राइट बनाए अंडर किसके तहत एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंडर एंड ये जो लीगल कानूनी जो हक होगा ये क्या होगा राइट टू हेल्थ मतलब सभी को एक राइट right मिलेगा हेल्थ के लिए मतलब सभी को एक आ, मतलब अच्छी फैसिलिटीज मिलेगी समान रूप में ये चीज करने के लिए क्या किया है इंडिया ने अवॉइड किया है मतलब इस चीज़ को नहीं किया है आगे देखते हैं अमंग ऑब्जर्वेशन एंड कमिटी ने जो ऑब्जर्वेशन की है उसमें से एक चीज उन्होंने ऑब्जर्व की है कि इंश्योरेंस कवर बीमा जो कवर कवर है वो सभी के लिए नहीं है एंड ये ये चीज एक ऑब्जर्व किए है एंड एक और चीज ऑब्जर्व की है कि ये जो हॉस्पिटल्स है मतलब कि ये जो निजी प्राइवेट हॉस्पिटल्स है इन पर सुपरविजन या इंस्पेक्शन uh, नहीं किया जा रहा है या सुपरविजन या इंस्पेक्शन करे ताकि ये सुनिश्चित हो कि जो भी पेशेंट्स यहाँ पर जा रहे हैं उन्हें ये जो हॉस्पिटल्स है ये टर्न अवे ना कर दे मतलब कि वापस ना भेज दे बिना ट्रीटमेंट के मतलब कि रिफ्यूज ना करे उस हॉस्पिटल में एंट्री लेने से इन सच ए क्राइसिस इस क्राइसिस में ये जो कोविड नाइन्टीन महामारी है इस क्राइसिस में आगे देखते हैं वाइल्ड द पैनल वाइल्ड मतलब जबकि द पैनल इज राइट टू व्यू धिस एज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कि बिल्कुल पैनल जो है ये बिल्कुल सही है अपने हिसाब से बिल्कुल सही है ये व्यू करने में कि ये क्या है एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है ब्रीच मतलब क्या होता है यहाँ पर वायलेशन ये जिसे हम कहते हैं उल्लंघन मतलब कि ट्रस्ट ट्रस्ट मतलब विश्वास एंड विश्वास का यहाँ पर क्या है उल्लंघन है हनन है ये क्या है वन ऑफ वन ऑफ द आया है एंड यहां से क्वेश्चन बनता है वन ऑफ द एंड वन ऑफ द के साथ हमेशा याद रखना है आपको कि जो भी नाउन आएगा ये नाउन हमेशा कैसा होगा प्लूरल फॉर्म में होगा एंड इसके बाद जो वर्ब आती है ये वर्ब हमेशा कैसी होती है सिंगुलर होती है सो so, इस सेंटेंस से भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो पैनल है ये बिल्कुल सही है ये व्यू करने में कि ये क्या है एक कानून का हनन है वायलेशन है सॉरी कानून का नहीं ट्रस्ट का विश्वास का एंड ये क्या है वन ऑफ द वन मतलब एक वन ऑफ दी पैंडमिक इम्पैक्ट्स पैंडेमिक के जो इम्पैक्ट्स रहे हैं पैंडेमिक के जो प्रभाव रहे हैं पैंडेमिक का जो असर असर रहा है इसमें से ये एक है क्या ट्रस्ट uh, uh, का विश्वास का हनन देखिए यहाँ पर वन ऑफ दी आया है एंड यहाँ पर इम्पैक्ट नाउन है इस वजह से ये कैसा है गाइस है एंड यहाँ पर हैज वर्ब है एंड वर्ब कैसी है यहाँ पर सिंगुलर एज आई टोल्ड यू हियर सो हैज बीन अ स्टैगरिंग एंड ये जो वन uh, ऑफ ये क्या रहा है ये जो विश्वास का जो हनन किया गया है ये पैंडेमिक का मतलब इस महामारी का एक इंपैक्ट रहा है प्रभाव स्टैगरिंग has स्टैगरिंग been, has been staggering. Staggering मतलब क्या होगा स्टैगरिंग का मतलब यहां पर लिख देते हैं जिसका मतलब होता है शॉकिंग जिसे हम कह सकते हैं एस्टोनिशिंग जो हमें शॉक कर दे एस्टोनिश कर दे, देना okay, ठीक है एस्टोनिश कर दे हमें सो so, यहाँ पर ये यह काफी staggering रहा है स्टैगरिंग यहाँ पर काम कैसे कर रहा है Adjective की तरह क्योंकि राइज यहाँ पर noun है ओके

ये एक का इंपैक्ट है एक प्रभाव है जो कि कैसा रहा है काफी है, है, इंक्रीमेंट था किसमें में इंस्टॉलमेंट में इंक्रीज हो चुका था स्पेशली किसके लिए सीनियर सिटीजन के लिए ऑफ इवन अपू ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द इंश्योर्ड वैल्यू इंश्योर्ड मतलब जितनी उन्हें वैल्यू देनी होती है जितना उन्हें अमाउंट देना पड़ता है उसका पच्चीस परसेंट ज्यादा उनसे लिया जा रहा था सो so, ये क्या था ये जो 25 परसेंट इंश्योर वैल्यू से ज्यादा लिया जा रहा है किसके लिए स्पेशली सीनियर सिटीजन से ये क्या था एक ट्रस्ट का हनन था सो वॉट इज मोर एंड और आगे क्या द इंश्योरेंस रेगुलेटर जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है आई आर ए डी आई ये जो इंस्टीट्यूशन है जो रेगुलेट करता है इंश्योरेंस से रिलेटेड सारी चीजों को उन्होंने सेट कर दिया था रख दिया था सिक्सटी फाइव एस दी मैक्सिमम एज की ज्यादा से ज्यादा सिक्सटी फाइव एज होनी चाहिए ऑफ एंट्री स्टैंडर्ड पॉल तो मैक्सिम एक एज आपकी जो होगी वो सिक्सटी फाइव होनी चाहिए मतलब की इससे मैक्सिमम एज ये एक एज लिमिट सेट कर दी थी एंड इसके ऊपर अगर कोई पर्सन है तो उसे इस पॉलिसी आ, के अंडर Uh, मतलब कि कंसिडर नहीं किया जाएगा अर्लियर दिस ईयर ईयर इस year के स्टार्टिंग में अफेक्टिंग इयर इसइंश्योर्ड जिससे जो अफेक्ट पड़ रहा था ये किस पर अन इंश्योर्ड इंश्योर्ड मतलब क्या होता है जिनका इंश्योरेंस हो अन मतलब जिनके पास इंश्योरेंस ना हो सो so, ये अफेक्ट कर रहा था ऐसे अन ऐसे लोग जिनके पास इंश्योरेंस नहीं है क्योंकि यहां पर बोल दिया था आईआरडीए ने है ना इंश्योरेंस रेगुलेटर आई ने कि मैक्सिमम लिमिट 65 होगी इसके ऊपर जो पर्सन होगा सिटीजन होगा उसे ये जो स्टैंडर्ड पॉलिसी है ये नहीं दी जाएगी इस वजह से जो ओल्डर मतलब 65 के एज के ऊपर वाले जो अनइंश्योर्ड सिटीजंस सिटीजन थे इन पर काफी काफी इसका प्रभाव पड़ा सच एज लिमिट मस्ट भी फुल्ली रिमूव एंड ऐसी कोई लिमिट जो होती है इसे कंप्लीटली रिमूव कर देना चाहिए खारिज कर देना चाहिए द आंसर टू अब आंसर के साथ हमेशा टू का यूज किया जाता है सो ये आंसर टू एंड इसके बाद ये वर्ब की आय जी फॉर्म क्योंकि यहां पर वर्ब की आय जी फॉर्म है लेकिन ये है कैसे काम कैसे कर रही है यहाँ पर नाउन की तरह सो so, आंसर के साथ हमेशा टू आंसर टू Creating, creating यहां पर जेरेंट की तरह काम कर रहा है तो इसे हम यहाँ पर नाउन कहेंगे आंसर टू क्रिएटिंग एन इक्विटेबल फ्रेमवर्क एंड इक्विटेबल मतलब क्या होता है जो कि बिल्कुल कैसा हो इक्वल हो सभी के लिए समान हो ऐसा फ्रेमवर्क ऐसा सिस्टम जो कैसा होगा इक्विटेबल होगा सभी के लिए समान होगा लाइज टैक्स फंडेड सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसमें टैक्स के द्वारा फंड दिया जाएगा फंड किया जाएगा विद गवर्नमेंट विद गवर्नमेंट बींग दिंगल जिसमें गवर्नमेंट एक सिंगल एंड सोल मतलब की एकमात्र पेयर होगी पे करने वाली टू केयर प्रोवाइडर केयर प्रोवाइडर मतलब जिन लोगों को भी ये जो इंश्योरेंस का पैसा देना है जो भी देना है उसमें गवर्नमेंट का ही अकेली का हाथ होना चाहिए एक ये सोल पेयर एकमात्र पेयर होनी चाहिए दिस इज लॉन्ग पेंडिंग रिकमेंडेशन एंड ये जो रिकमेंडेशन दिया था ये काफी लॉन्ग पेंडिंग है काफी समय पहले दिया था फ्रॉम दी इर्स्ट वाइल इर्स्ट वाइल का मतलब होता है कि जो पुराना होगा

मिलेगी एंड ये जो चीज की थी इसने ये इस साल के स्टार्टिंग में ही कर दी थी इस पॉलिसी की वजह से क्या हुआ था काफी असर पड़ा था ओल्ड लोगों पर मतलब कि जो 65 के ऊपर थे एंड ऐसे लोग जो कि अन इंश्योर्ड थे जिनके पास इंश्योरेंस नहीं था अब बोला जा रहा है कि ऐसी जो कोई एज लिमिट है जो आईआरडीआई ने यहां पर सेट की थी इसे कंप्लीटली रिमूव कर देना चाहिए एंड द आंसर टू यानी इसका जो आंसर है टू क्रिएटिंग क्रिएट करने में क्या इक्विटेबल फ्रेमवर्क इक्विटेबल मतलब कि जो बिल्कुल क्या हो सेम हो मतलब कि इसे कह सकते हैं इक्वल हो या बिल्कुल सेम हो ऐसा फ्रेमवर्क ऐसा सिस्टम जो बिल्कुल सेम uh, हो लाइज करता है रहता है किसमें एक टैक्सेस फंड सिस्टम में सो so, अगर हम इक्विटेबल uh, फ्रेमवर्क हमें अचीव करना है तो हम कैसे कर सकते हैं एक टैक्स फंडेड सिस्टम से ऐसा सिस्टम जिसमें टैक्स के द्वारा फंड किया कि जाए विद द गवर्नमेंट एंड जिसमें गवर्नमेंट ही एकमात्र अकेली क्या होगी यहां पर पेयर होगी जो केयर प्रोवाइडर्स को प्रोवाइड करेगी एंड ये जो रिकमेंडेशन है कि ये सारी चीजें हो एक टैक्स फंडेड सिस्टम हो सारा इक्विटेबल फ्रेमवर्क हो समान सारी चीजें हो सभी के लिए ये काफी लॉन्ग पेंडिंग रिकमेंडेशन है जो कि ईस्ट uh, वाइल मतलब कि जो फॉर्मर जो पुराना जो पहले वाला ओल्ड प्लानिंग कमीशन था जिसने दिया था आगे देखते हैं द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एज अ सिंगल पेयर गवर्नमेंट सिंगल पेयर इफ नॉट सोल केयर अगर सोल केयर नहीं है लेकिन एज अ सिंगल पेयर अकेली पे करें प्रोवाइडर प्रोवाइडर को एट प्रेजेंट ओके सो सिंगल पेयर या प्रोवाइडर हो अभी एट प्रेजेंट में वुड बी बेटर ये काफी अच्छा होगा एबल टू रेजिस्ट रेजिस्ट मतलब क्या करना रोकना या कंट्रोल करना किसे कमर्शियल प्रेशर्स को मतलब कि व्यवसायिक जो दबाव आ रहे हैं इन व्यवसायिक दबाव को कंट्रोल करने में काफी अच्छा होगा अगर गवर्नमेंट एक सिंगल पेयर रहेगी अब यहाँ पर बीच में मतलब बात की जा रही कि जो बीच में एजेंट्स होते हैं या बहुत सारी जो लेवल्स होते हैं लेयर्स होते हैं ये हट जाए और गवर्नमेंट सीधा डायरेक्टली पे करे तो फायदा होगा लोगों का प्रेशर इन डिटरमाइनिंग कॉस्ट की जो कॉस्ट को डिटरमाइन करे सुनिश्चित करे यहां पर इक्वली एप्लीकेबल एंड ये इक्वली एप्लीकेबल है किसके लिए फॉर सेंट्रल सेंट्रल के लिए प्रोक्योरमेंट प्रोक्योरमेंट मतलब क्या होता है ऑप्टेन करना एंड ये वर्ड हमने एक एडिटोरियल में भी देखा था जो फार्मर से रिलेटेड था सो so, ऑप्टेन करना प्रोक्योर करना या जिसे खरीदना भी कह सकते हैं तो सेंट्रल प्रोक्योरमेंट खरीदना क्या ऑफ एसेंशियल ड्रग्स एसेंशियल ड्रग्स जो खरीदेगी विच कैन बी देन डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री एंड जिन ड्रग्स को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सो so, यहां तक बोला जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है अगर ये सिंगल पेयर होगी जिसके वजह से क्या होगा कंट्रोल हो पाएगा ये जो व्यवसायिक प्रेशर्स है ये कंट्रोल हो पाएंगे कॉस्ट को डिटरमाइन करने में, एंड ये इक्वली एप्लीकेबल होगा सेंट्रल के लिए जो खरीदता है क्या एसेंशियल ड्रग्स एंड ऐसे ड्रग्स जो फ्री में बांटे जाएंगे अब बोला जा रहा है लीगल रिफॉर्म कानूनी जो सुधार की बात की जा रही है मस्ट मतलब जरूर से जरूर ये एक मॉडल वर्ब है मस्ट एंड मस्ट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इसलिए प्रोवाइड फॉर अ टाइम बाउंड टाइम बाउंड मतलब एक टाइम की जिसमें लिमिटेशन होगी ट्रांजिशन ट्रांजिशन जिसका मतलब होता है चेंज सो so एक टाइम बाउंड चेंज होगा ट्रांजिशन होगा टू यूनिवर्सल स्टेट प्रोवाइडेड यूनिवर्सल मतलब क्या होता है सभी के लिए है ना जो कॉमन हो बिल्कुल सभी के लिए हो यूनिवर्सल स्टेट प्रोवाइडेड हेल्थ सर्विसेज अंडर अ राइट्स बेस्ड नॉन एक्सक्लूजनरी फ्रेमवर्क नॉन एक्सक्लूजनरी अब ये एक्सक्लूजनरी एक्सक्लूजनरी तो जो वर्ड आया सॉरी एक्सक्लूजनरी जो वर्ड आया है ये वर्ड आया है एक्सक्लूड वर्ड से एंड एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है छोड़ के सो so, ऐसा फ्रेमवर्क ऐसा सिस्टम जो नॉन एक्सक्लूजनरी हो मतलब किसी में किसी को यहाँ पर नॉन मतलब ना हो मतलब कि सारी सभी लोगों को इंक्लूड करे सारे सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जो क्या हो सारी चीजों को क्या करे इंक्लूड करे ऐसा सिस्टम यहाँ पर बनाए सो so, बोला जा रहा है कि जो लीगल रिफॉर्म होगा ये प्रोवाइड करे एक टाइम बाउंड टाइम लिमिटेड ट्रांजिशन चेंज एंड चेंज किसमें होगा यूनिवर्सल स्टेट प्रोवाइडेड हेल्थ सर्विसेज ये जो हेल्थ की सर्विसेज होगी ये जो हेल्थ की फैसिलिटीज होगी ये यूनिवर्सल होनी चाहिए एंड यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है सभी के लिए जिसे हम कह सकते हैं फॉर ऑल ओके सभी के लिए हो सर्विसेज अंडर किसके तहत राइट बेस्ड जो कि राइट बेस्ड है सभी का अधिकार है जिसमें नॉन एक्सक्लूजन हो मतलब कि सारे लोग इंक्लूडेड हो for, ऐसा फ्रेमवर्क ऐसा सिस्टम जिसमें सारे लोग इंक्लूडेड हो विथ स्टेट्स इंप्लीमेंटिंग इट एंड स्टेट इसे क्या करे इंप्लीमेंट करें अब बोला जा रहा है प्राइवेट अरेजमेंट कैन बी एन ऑप्शन अब गवर्नमेंट से अगर ना हो पाए तो प्राइवेट अरेंजमेंट ये एक ऑप्शन हो सकता है कोविड सॉरी कोविड नाइनटीन हैज एक्सपोज इसे एक्सपोज कर दिया है एक्सपोज मतलब रिवील कर देना खुलासा कर दिया है जो डेंजर्स है डेंजर्स मतलब जो खतरे है किसके एक्सेसिव एक्सेसिव मतलब बहुत ज्यादा रिलायंस रिलायंस एंड रिलायंस का मतलब होता है डिपेंड तो देखिए रिलायंस एंड डिपेंड सो डिपेंड के साथ भी हमेशा ऑन आता है रिलायंस के साथ भी ऑन आया है सो याद रखेंगे रिलायंस मतलब डिपेंड होना क्या कि एक्सेसिव ये जो बहुत ज्यादा खतरे हैं, किस पर डिपेंड होने के किस पर प्राइवेट तर्शियरी केयर पर प्राइवेट मतलब कि निजी एंडरशियरी मतलब कि कह सकते हैं जो हाई लेवल केयर है इस पर जो हम डिपेंड करते हैं इसके काफी एक्सेसिव जो डेंजर्स है खतरे हैं इन्हें एक्सपोज किया है क्योंकि आपने देखा होगा जिन भी लोगों को कोविड नाइनटीन से जिन लोग इफेक्ट मतलब इन्फेक्टेड हुए थे उन्हें प्राइवेट में एडमिट किया गया एंड इसका खर्चा एंड काफी चीजें बहुत ज्यादा थी सो यही सारी चीजों को कोविड नाइनटीन ने क्या किया है एक्सपोज किया है कि प्राइवेट टर्शेरी जो होता है निजी जो यहाँ पर निजी जो कमर्शियल केयर होती है फैसिलिटीज होती है ये काफी डेंजरस होती है द करेक्टिव लाइज एंड ये जो करेक्टिव मेजर है करेक्टिव मतलब इसका जो समाधान है इसकी जो रेमेडी है कैसे इसे करेक्ट कर सकते हैं वो लाई करता है किसमें रेजिंग पब्लिक स्पेंडिंग की पब्लिक स्पेंडिंग अब पब्लिक स्पेंडिंग मतलब पब्लिक मतलब लोग स्पेंडिंग मतलब खर्चा तो रेज मतलब क्या करे बढ़ाए इंक्रीज करे तो इंक्रीज करना है पब्लिक पर खर्चा करो टू द प्रोमिस्ड जो जैसे कि प्रॉमिस किया गया था 2.5 ऑफ दी जीडीपी कि यहां पर प्रॉमिस किया गया था कि 2.5 पॉइंट परसेंट जी के इतना हमें क्या करना चाहिए रेस करे मतलब गवर्नमेंट करे पब्लिक स्पेंडिंग पर लोगों पर खर्चा ऑन पब्लिक फैसिलिटीज पब्लिक फैसिलिटीज पर पब्लिक को और ज्यादा फैसिलिटीज दे जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज दैट आर यूनिवर्सली एक्सेसिबल यूनिवर्सली मतलब सभी जगह सभी प्लेसेस में सभी के लिए एंड एक्सेसिबल हो एक्सेसिबल मतलब क्या हो अप्रोचेबल हो ताकि वहां पर जो लोग हैं वो क्या कर पाए Sorry, this is approach, okay? so, सभी सभी हो मतलब लोग उस तक तक कर 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 पाए उसे use कर पाए वहां तक attend कर पाए उसे so, गवर्नमेंट एक सिंगल पेयर तो तो हो अगर वो सोल केयर नहीं हो सकता तो एटलीस्ट सिंगल केयर तो हो एट प्रेजेंट अभी प्रेजेंट में एंड ये काफी अच्छा होगा जो कि कमर्शियल व्यवसायिक जो प्रेशर आते हैं कॉस्ट डिटरमाइन करने में इसे ये रेजिस्ट करेगा कंट्रोल करेगा एंड ये इक्वली एप्लीकेबल है किसके लिए सेंट्रल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो बाय करती है ऑप्टेन करती है क्या ड्रग्स एसेंशियल ड्रग्स जो कि फिर फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं अब बोला जा रहा है कि ये जो कानूनी चेंजेस है कानूनी सुधार है ये मस्ट है बहुत जरूरी है ओके okay? एंड ये कैसे होना चाहिए एक टाइम टाइम लिमिटेड टाइम में होना चाहिए ये जो चेंज है ये जो रिफॉर्म है ये जो सुधार है ये जो ट्रांजिशन है ये काफी लिमिटेड टाइम में होना चाहिए एंड ये किस में होना चाहिए टू यूनिवर्सल स्टेट प्रोवाइडेड हेल्थ सर्विसेज ऐसी सर्विसेज ऐसी हेल्थ प्रोवाइडेड सर्विसेज हो जो यूनिवर्सल हो जो सबके लिए हो जो सभी जगह पर हो अंडर द राइज राइट बेस्ड जो कि अधिकार के अंतर्गत आता हो जो नॉन एक्सक्लूजनरी हो नॉन एक्सक्लूजनरी मतलब जिसमें कोई भी एक्सक्लूडेड ना हो मतलब कि सभी लोग इंक्लूडेड दो ऐसा फ्रेमवर्क ऐसा सिस्टम बनाए जो कि ये स्टेट्स इंप्लीमेंट करेंगे सिस्टम को एंड प्राइवेट अरेंजमेंट इस केस में ऑप्शन हो सकती है और कोविड-19 ने एक्सपोज कर दिया है रिवील कर दिया है खुलासा कर दिया है कि कितने ज्यादा खतरे हैं एक्सेसिव कितने बड़े खतरे हैं अगर हम प्राइवेट टर्शियरी केयर पर प्राइवेट केयर पर हम अगर निर्भर रहेंगे प्राइवेट फैसिलिटीज पर अब इसका जो रेमेडी है ये किसमें कर लाई करती है कि पब्लिक पर जो खर्चा है पब्लिक जो स्पेंडिंग है इसे बढ़ाया जाए जैसे कि प्रॉमिस किया था कि वो कितनी होनी चाहिए 2.5 परसेंट होनी चाहिए जीडीपी की जैसे कि प्रॉमिस किया गया था गवर्नमेंट द्वारा ऑन पब्लिक फैसिलिटीज पब्लिक फैसिलिटीज पर मतलब को पर बढ़ाने की बात की जा रही है एंड ऐसी फैसिलिटीज जो क्या होगी यूनिवर्सली एक्सेसिबल होगी मतलब सभी जगह सभी लोगों के लिए ये अप्रोचेबल होगी सभी लोग इसे क्या कर पाएंगे यूज कर पाएंगे सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज एडिटोरियल सो लेट्स चेक क्वेश्चन एंड यहाँ पर आज जो क्वेश्चन है guys, ये फिलर्स पर है कुछ हमने वो पर किए है एलरिक्शन पर किए हैं सो लास्ट जो हमने एक एडिटोरियल uh, देखा था उस पर बेस्ड ये यहाँ पर मैंने फिलर्स के क्वेश्चन बनाए गए हैं सो so, देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इस ब्लैंक के अगेंस्ट यहाँ पर फाइव आपको वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं so, सो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो इस ब्लैंक में ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली फिट होगा ऑर्डर so दिया था कम्स आता है इन देक एजल्ट ऑफ एज रिजल्ट ऑफ इंसिडेंट ऐसे इंसिडेंट पॉइंट जो कि पॉइंट कर रहे थे मतलब कुछ इंसिडेंट हुए थे एंड उस इंसिडेंट के रिजल्ट की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था क्योंकि ये जो इंसिडेंट थे ये पॉइंट कर रहे थे इशारा कर रहे थे डैश किस चीज को एक डैश को इशारा कर रहे थे बिटवीन किसके बीच में जुडिशियरी और इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच में सो यहां पर देखते हैं कन्वीन एंड फर्स्ट वर्ड है कन्वीन कन्वीन का मतलब होता है ऑर्डर तो ऑर्डर तो नहीं होगा किसके बीच में जुडिशियरी और इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच में so order. Order ये जिसे हम कह सकते हैं किसी चीज को कन्वीन करना ऑर्डर करना या होल्ड करना जैसे मीटिंग होल्ड करना सो so ये तो नहीं होगा रिलेशन नहीं होगा यहाँ पर यहाँ पर कोई नेगेटिव वर्ड ही आएगा क्योंकि ऐसी कोई नेगेटिव बात ही हुई है इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है सो कोऑपरेशन भी नहीं होगा रिलेशन भी नहीं होगा पिटीशन पिटीशन मतलब होता है याचिका याचिका बिटवीन दायर याचिका सो so नहीं ये भी नहीं होगा तसल, तसल का मतलब होता है फाइट तो यस पर ये जो होगा करेक्ट जो चॉइस होगी वो होगी फाइट नेक्स्ट क्वेश्चन का इस अब बोला जा रहा है तो क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन मतलब संविधानिक फेल्यूअर की जो बात की जा रही थी मशीनरी इस डेल्ट इसे डील किया जाता इस आर्टिकल के तहत

किसके तहत आएगा अंडर द डैश ऑफ एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका एंड जुडिशियरी मतलब न्यायपालिका सो so, ये कार्यपालिका के तहत मतलब यहाँ पर बात की जा रही है अंडर द राइट इस तरीके के कोई वर्ड आना चाहिए अगर हम अंदाजा लगाए सिक्वेल सिक्वली मतलब क्या होता है रिजल्ट होता है स्पेशली कोई लॉन्ग डिसीज के बाद जो कंडीशन आती है जो या जो रिजल्ट होता है उसे हम कहते हैं सिक्वेले so यहाँ पर uh, सिक्वेले वर्ड तो नहीं होगा टिव मतलब ही होता है राइट right कह सकते हैं जिसे या हम जिसे जिसे कह सकते हैं हिंदी में कहा जाता है विशेषाधिकार तो यस yes, ये जो आर्टिकल 356 है इसे इसका जो यूज है ये अंडर तहत किसके आता है एक प्रेरोगेटिव एक विशेष अधिकार के अंदर जो किसे मिलता है कार्यपालिका को मिलता है एग्जीक्यूटिव को सो यस दिस कुड बी राइट चॉइस एनविजन एनविजन मतलब क्या होता है किसी चीज को इमेजिन करना ओके एज अ फ्यूचर पॉसिबिलिटी हम कह सकते हैं अनरियाल मतलब होता है क्षेत्र या जिसे हम प्रोविंस कह, कहते हैं तो यहाँ पर सी वुड बी द करेक्ट चॉइस नेक्स्ट क्वेश्चन इन एस आर बोमई केस मेंबर बेंच एक नौ मेंबर का बेंच था नाइन मेंबर का बेंच था ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का डैश द स्कोप ऑफ आर्टिकल 356 उन्होंने क्या किया ये जो आर्टिकल 356 था scope, इसका स्कोप इसका स्कोप मतलब क्या फ्यूचर पॉसिबिलिटीज है क्या इसके यूजेस है उसे क्या किया होगा समझा होगा पढ़ा होगा बनाया होगा इस तरीके का वर्ड यहाँ पर आएगा विच ऑल्सो अलाउज द इंपोजिशन जो अलाउ करता है है ना अब यहाँ पर इन्होंने इस आर्टिकल को समझा है अंडरस्टैंड किया जिससे हम इस, जिससे बोला जा रहा है कि ये अलाउ करेगा इम्पोजिशन लागू करना किसे प्रेसिडेंट रूल मतलब कि राष्ट्र प्रति शासन को स्टेट्स में सो कॉन्स्टिट्यूट कॉन्स्टिट्यूट का मतलब ही होता है किसी चीज को अंडरस्टैंड करना समझना तो हो सकता है कि इसके इस आर्टिकल के स्कोप को उन्होंने समझा ओके okay, अनवेल करना अनवेल मतलब क्या होता है किसी चीज का अः किसी चीज को रिवील कर देना या खुलासा कर देना तो so, ये तो नहीं होगा नॉट मतलब क्या होता है किसी चीज को जीरो कर देना ये भी नहीं होगा बीफ ऑफ बीफ ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना या सपोर्ट करना तो so, ये वर्ड भी यहाँ पर नहीं होगा एस्केलेट करना एस्केलेट करना मतलब भी यहां पर इंक्रीज करना या ग्रो करना तो so, ये भी यहां पर नहीं होगा सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर ओके 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 कॉन्स्टिट्यूट होगा ना गाइस यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर होगा बाकी सारे तो यहाँ पर इनरेलीवेंट है सो so, इसके स्कोप को इस आर्टिकल के स्कोप को क्या किया उन्होंने अंडरस्टैंड किया समझा सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज सेशन माई नेम इज नीलम डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज थैंक यू वेरी मच